जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। और चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही विशेष सा टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। और इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर यूपी पुलिस के एग्जाम में फिक्स हैं। अगर आप पिछले पेपरों को देख लें तो हर बार ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी पूछी जाए और सर्वनाम से कोई क्वेश्चन ना आए। तो आज मैं सर्वनाम को इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, ट्रिकी अप्रोच से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताना शुरू करता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम सर्व और नाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम सर्व और नाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, आगे डेफिनेशन में दिया होगा। सर्व और नाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। मतलब ये ऐसी शब्दावलियां होती है जो सबके नाम के जगह पे यूज हो सकती हैं। जैसे राधा पढ़ती है और वह नाचती भी है, तो राधा पढ़ती है और वह नाचती है, वह कौन? राधा। राधा के लिए वह शब्द यूज हुआ है। इसी तरह से मोहन पढ़ता है और वह खाना भी खाता है, तो राधा की जगह पे वह भी यूज हो गया और मोहन की जगह पे भी वह यूज हो गया। मतलब सबके नाम के जगह पे जिन शब्दावलियों का यूज होता है उन्हें हम लोग कहते हैं सर्वनाम। अगर मोटी मोटा तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो उम्मीद है कि डेफिनेशन समझ में आया होगा, आइए बताता हूं। सर्वनाम, सर्वनाम जो होता है 6 प्रकार का होता है। मतलब सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो सर्वनाम को हम लोग देखते हैं, सबसे पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 तरीके हैं, 6 टाइप्स हैं, 6 भेद हैं। लेकिन सर्वनाम सूचक शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम सूचक शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला सदैव उत्तम होता है। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप हैं मध्यम, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है अन्य। तो बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला हमेशा से क्या होगा? बोलने वाला होता है उत्तम, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड होता है सुनने वाला, तो सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष, सुनने वाला। और जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वह है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात हो रही है, में बात हो रही है। तो उम्मीद है कि मेरी ये डिफिनीशन सारी समझ में आई होंगी। आइए एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सर्व और नाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात ऐसी शब्दावलियां जिसका प्रयोग किसी भी नाम के स्थान पर किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, अर्थात 3 प्रकार का होता है। अर्थात कहने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है जो उसमें बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? अन्य पुरुष है। तो उम्मीद है ये पूरा स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। और सर्वनाम सूचक शब्दावलियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आइए आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको कहते हैं अविकारी। तो आपके दिमाग में हो रहा कि अविकारी क्या होता है? तो अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। जैसे आज, आज को आप बदलेंगे तो वो बदलेगा नहीं, लेकिन लड़का को बदलेंगे तो लड़के हो जाएगा, लेकिन आज को बदलेंगे तो आज नहीं बदलेगा। जो बदलता नहीं वो होता है अविकारी, जो बदल जाता है वो होता है विकारी। तो सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है।
विकारी शब्द है और ये सर्व प्लस नाम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले ही बता दिया था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, मतलब ऐसी शब्दावलियां जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे उदाहरण, देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई थी। तो विशाल, विशाल के स्थान पर जो शब्दावली यूज हुई है उसकी बाइक, उसकी बाइक मतलब किसकी? विशाल की बाइक खराब हो गई थी। तो इस पूरे उदाहरण में जो सर्वनाम सूचक शब्द है ये है उसकी। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद या प्रकार अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? 6, पहले ही बता दिया था। लेकिन सर्वनाम सूचक शब्दों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 11 होती है। उम्मीद है ये स्लाइड भी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके आगे देखना आरंभ रखिए। आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी वकील हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन पढ़ रही है। ये सब कह रहा है कि देखिए इसमें जो मोहन है, मोहन जो है ये संज्ञा है। मोहन, देखिए मोहन मोहन मोहन, अगर मैं यहीं पे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है और वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, मतलब कौन स्कूल जा रहा है? मोहन स्कूल जा रहा है। कहने का मतलब अगर मैं मोहन की जगह पे अगर कोई शब्दावली यूज कर दिया होता तो वो क्या बन जाता? सर्वनाम बन जाता। जो नाम है किसी के नाम के स्थान पे जो शब्दावली यूज होगी वो क्या होगी? सर्वनाम होगी। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। आइए पहले सर्वनाम का कर देता हूं आपके सामने पोस्टमार्टम और आपके दिमाग में एकदम से बैठा देता हूं। आइए देखते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, अर्थात बोलने वाले या पढ़ने वाले की लिखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब अर्थात बोलने वाला व्यक्ति जो होता है सदैव क्या होता है? उत्तम होता है। तो बोलने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो बोलने वाला ही उत्तम होता है। जैसे कि मैं आपको इसको ध्यान से समझाता हूँ, एक पेज लेकर के बताता हूँ कि जो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का होता है बाबू? तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा जो बता रहा हूँ, ऐसे ही आपके पेपर में आएगा। तो इसको हम लोग बांट लेते हैं 3 भाग में। 3 भाग में बांटने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि प्रथम पुरुष क्या होता है। प्रथम पुरुष को हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष, दूसरे को हम लोग कहते हैं द्वितीय पुरुष को हम लोग कहेंगे मध्यम पुरुष, और तृतीय पुरुष को हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है उसे हम लोग सदैव उत्तम कहेंगे, जो सुनने वाला है उसे मध्यम कहेंगे, और जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखते रहिए। बोल कौन सकता है क्लास में? क्लास में बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं या मैं बोल सकता हूँ, या हम सब एक साथ मिलकर के बोल सकते हैं। तो दो शब्दावलियां उत्तम पुरुष में बड़ा ही फेमस है, जैसे कि मैं और हम। और सुनने की बात की जाए बाबू, तो सुनने के लिए हो सकता है आप सुन रहे हो या तुम सुन रहे हो। अगर कठोर शब्दों में कहा जाए तो तुम, अगर प्यार से कहा जाए तो आप। तो दो शब्दावलियां इसमें भी आएंगी, तुम और दूसरा आएगा आप। और जिसके बारे में बात हो रही है, आप जिसके बारे में बात हो रही है वो होंगे ये, वे। अच्छा, ये रूप बदल के भी आपके सामने आएंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं है तो बस मैं, जैसे कि मैं से हो जाएगा मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, कुछ भी बना सकते हैं आप मुझसे। और उसी तरह से हम, हमारा, हमको। समझ रहे हैं ना? जहां पे भी ये दिखाई देंगे शब्द ये सब हो जाएंगे उत्तम। तुम से तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप सब, आप लोग, इसी तरह से बनाते जाइएगा। ये, इन्होंने, ये रहता है यह, वह, और इसका बहुवचन में बनता है ये, वे। फिर ये बनता है इन्होंने, वे बनता है उन्होंने। जब आप अन्य पुरुष में एक वचन में यूज करेंगे तो आप सबसे पहले यूज करेंगे यह, वह।
फिर बहुवचन में ये वे, फिर उसके बाद इन्होंने और उन्होंने। आइए, अगर ये बातें समझ में आ रही होगी तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये सब लिख क्या रहे हैं आप। लिख वही रहा हूं जो आपके पेपर में आता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि राम ने लक्ष्मण से कहा, राम ने लक्ष्मण से कहा, देखिए ध्यान से, कि राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण से कहा कि, से कहा कि मैं हिरण के पीछे जाता हूं, मैं हिरण के पीछे जाता हूं, के पीछे जाता हूं, तुम माता सीता की रक्षा करना, तुम माता सीता की रक्षा करना, की रक्षा करना, अन्यथा था वह आ जाएगा, आ जाएगा। दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं ना कि आपको समझ में आए। देखिएगा ध्यान से, ये एग्जाम्पल आपको पूरी तरह से क्लियर करा देगा। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, एक ही में तीनों लपेट दूंगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग कि राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैं हिरण के पीछे जाता हूं, तुम माता सीता की रक्षा करना, अन्यथा वो आ जाएगा। बोलने वाले कौन है? राम। और राम के लिए जो शब्दावली यूज हुई है मैं, तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो मैं हम शब्दावली यूज होती है, मैं और हम अगर किसी उदाहरण में दिखे तो वहां सदैव कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। तो यहां देखते ही हमको ये बात समझ में आ गई कि सर अगर मैं के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो इसका अगर पूछेगा तो ये क्या होगा? मैं है उत्तम पुरुष, तुम माता सीता की रक्षा करना, तुम किसके लिए यूज होता है बाबू? देख लीजिए ध्यान से कि तुम यूज होता है मध्यम पुरुष। सुन कौन रहा था? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सुना था, इसलिए तुम क्या है? मध्यम पुरुष। अन्यथा वह आ जाएगा, यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ऐसी शब्दावली जब उदाहरण में आए और आपसे पूछे कि वह में कौन सा पुरुष, तो हमने आपको बताया ना कि वह में अन्य पुरुष। उम्मीद है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। जैसे कि मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपका कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला व्यक्ति, अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात हो रही है। बोलने वाले के लिए जो शब्दावली यूज होता है वो होता है मैं और हम, और सुनने वाले के लिए तुम, आप, और जो अन्य पुरुष होता है यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। उसी तरह से मैं और आप, मैं और हम से आप बना सकते थे मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, हम से, हमारा, हमको। ये सब शब्दावली अगर कहीं देखे तो उत्तम पुरुष, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, आप लोग, आप सब, ये है मध्यम पुरुष, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ये सब अन्य पुरुष। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे उसी बात को लिखा गया है कि मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, और जिसके बारे में जो कहता है वो उत्तम होता है, जो सुनता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में दो शब्दावलियां यूज होती हैं, तू, तुम, आप। इसी तरह से हम देखते हैं अन्य पुरुष को, अन्य पुरुष में जो शब्दावली यूज होती है वो होती है यह, वह, यानी कि ये, वे। यहां तक आपको मैंने समझा दिया है। अब हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए होता है। देखिए निजवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग होता है कि मैं अपने आप, मैं स्वयं, मैं खुद, ऐसे जब कहेगा, देखिए मैं तो आ रहा है लेकिन मैं के साथ मैं स्वयं, मैं खुद, मैं अपने आप, उसके साथ कुछ अपनेपन का एहसास होगा, तब कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम लोग देखते हैं मैंने स्वयं चोर को देखा है, मैंने स्वयं, तब ना है ये निजवाचक सर्वनाम। आप भला हो तो जान भला, आप भला तो जान भला, मेरी माता, मेरी माता, एकदम कस के कह रहा है,
कठोरता से, मेरी माता है ना, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, अपने आप, देख रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से कि मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूं, मैं अपना काम अपने आप, देख रहे हैं, अपने आप कर सकता हूं, मैं अपने आप, मैं स्वयं कर सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं, ये निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मधु अपने मामा के घर गई, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। मनोज ने अपना मकान बेच दिया, अपना मकान बेच दिया, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। ये सारी शब्दावलियां आपको समझ में आ रही होंगी, एकदम से आसान उदाहरण दिए गए हैं, जिसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम दूरी का बोध कराए, पास या दूर किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। और संकेत सूचक शब्द जो प्रयोग होंगे इस सर्वनाम के अंतर्गत, वो होंगे यह, वह। तो जैसे यह चोर है, वह कुत्ता है, यह बिल्ली है, वह टोपी है, यह रोटी जली है, यह रोटी जली है, यही वाली रोटी जली है, बाकी सब रोटी सही, यह रोटी जली है। मतलब संकेत कर रहा, निश्चितता के साथ कह रहा है, यह रोटी जली है, वह प्लेट जूठा, वही वाला प्लेट जूठा है, बाकी सारे प्लेट क्या है, सही है। अगर ऐसे उदाहरण आपको दिए जाए तो वह बुरा है, बाकी सब सही है, वही वाला बुरा है, वही लड़का बुरा है। तो ऐसा अगर कहा जाए, हमेशा लड़के बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वह बुरा है मतलब कि, हंसने की बात नहीं है, सही है, वह बुरा है, यह मेरे हथियार है। कहने का मतलब कि जब घनघोर तरीके से बताया जाए कि नहीं यही सेम टू सेम यही है, तब जान जाइएगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तब होगा निश्चयवाचक। आइए देखते हैं हम लोग, जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आने वाले हैं वह है अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो जाएगा निश्चय, नहीं होगा अनिश्चय, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो मूल शब्द होते हैं कोई, कुछ, बहुत, थोड़ा। रास्ते में कुछ खाया था, क्या खाया था पता नहीं, जहर खाया था, रास्ते में कुछ खाया था। तुम कल किसी से बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी भैया, टेंशन वाली बात हो गई, आदमी फिक्स नहीं हो पा रहा है। वह बहुत लोगों को जानता है लेकिन कोई उसे नहीं जानता, कोई नहीं जानता, अनजान है वो। जहां पे ऐसी शब्दावली आएंगी वहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। खाने में कुछ कमी है, पता नहीं क्या कमी है लेकिन कुछ कमी है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, अमृत पड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये देखिए बहुत ही घनघोर, बड़ा ही कठिन उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रधान वाक्यों से आश्रित का संबंध जोड़ता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं जितनी भी ज वाली शब्दावलियां होती है, जो जिसे जिसका जिसने, और जो पहेलियां होती है, जैसी करनी वैसी भरनी, ज वाला जो करोगे जो बोएगा वही काटेगा, तो ज वाली जितनी शब्दावलियां वो संबंध को, तुम जिससे मिलते हो मैं उसे जानती हूं, मतलब जिससे संबंध है उसका ना, तो संबंध के बारे में ज वाली शब्दावलियां हमेशा इंगित करती है, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। तो कहने का मतलब, आइए उदाहरण एक आग देखते हैं कि उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा। देखिए कह रहा हूं ना, जो वाली शब्दावलियां हमेशा से संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराती है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो आया है सो जाएगा, यह परम क्या है, सत्य है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से सीख रहे होंगे। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, व्यापार, घटना आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। मोटी मोटा आप ये जानते रहिए कि जहां पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, वो क्या होते हैं, प्रश्न सूचक सर्वनाम होते हैं। इसका सबसे बड़ा पकड़ है कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, देखते ही आंख बंद करके मारो प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे कि बाहर देखो कौन आया है, देखो लास्ट में देख रहे हो प्रश्नवाचक। भैया तुम्हें क्या चाहिए, देख रहे हो प्रश्नवाचक, क्या चाहिए, क्या, कौन, शुरू में आ गया, देखो प्रश्नवाचक। अगर ऐसा है तो ये सारी शब्दावलियों को आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हो और
घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकेंडों में होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम एक सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये हो गया छः के छः मैंने आपको बता दिया। तो आइए एक बार रिकॉल कराता हूँ कि सर्वनाम क्या होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? पुरुषवाचक सर्वनाम था। इसमें और दो जो ज्यादा आते हैं वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर इस समय ट्रेंडिंग में कौन है? तो ट्रेंडिंग में है संबंधवाचक सर्वनाम, जो जिसे जिसका जिसने वाला शब्दावली जिसमें यूज होगी वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने हर चीज को आपको तोड़ तोड़ के बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा, एक नंबर पक्का किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।